नमस्कार, मैं प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता हूं दिल्ली से। 12 अप्रैल को रात को 9:14 पे कोरोना वायरस डिजीज जो कि कोविड-19, जिसके बारे में सबको चर्चा है आजकल टेलीविजन पे, इसके अलावा कुछ और देखने को मिलता नहीं है। लोग पैनिक हो रहे हैं, घबरा रहे हैं, लॉकडाउन हो रखा है, पूरा देश पूरा विश्व बंद है। भारत की 137 करोड़ की आबादी में पूरा देश को बंद करना आसान काम नहीं था। अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये लॉकडाउन करके काफी कुछ हद तक कंट्रोल किया है। आज की तारीख में जितने भी केसेस हैं 8,000 केसेस हैं, लेकिन अभी आज के अखबार पढ़ रहे थे कि अगर लॉकडाउन ना होता शायद 2,00,000 केसेस हो गए होते, एक रिपोर्ट आई है। यानी कि अभी भी 8,000 केसेस हैं 137 करोड़ की आबादी में, बाकी जगह काफी ज्यादा है। जैसे चाइना में 8,00,000 केसेस हो चुके हैं, सॉरी अमेरिका में। मैं अभी एक चीज बताना चाह रहा था कि काफी लोग सोचते हैं इसको टेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सबको टेस्ट तो करा नहीं जाता। इसकी टेस्टिंग किस तरह की होती है, थोड़ा सा आप जानकारी के लिए, लेकिन अपने मैं मेरे जानकारी देने का पर्पस ये नहीं कि आप इस जानकारी से कंप्लीटली अपने डॉक्टर की सलाह हो तभी टेस्ट कराए थे, लेकिन थोड़ी जानकारी आम पब्लिक को यह भी होनी चाहिए कि कोरोना वायरस की टेस्टिंग कैसे होती है और हाउ इट मैटर्स। ये वेरी गुड, दिस इज स्मॉल पब्लिकेशन जो कि 8 अप्रैल 2020 का ही है एंड यूके गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है। अभी हमारी गाइडलाइन इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की भी इसी से मिलती जुलती है। व्हाट कोरोना टेस्ट वायरस टेस्ट आर देयर, द टेस्ट करेंटली बीइंग यूज्ड इन यूके हॉस्पिटल्स आर टू सी समबडी करेंटली हैज कोविड-19, किसको बीमारी है कि नहीं है इसको टेस्ट करने के लिए है। दीज आर डन फॉर टेकिंग ए स्वैब ऑफ द नोज और थ्रोट, जब सस्पिशियस केस होता तभी करा जाता है, लेकिन ये स्वैब लिया जाता है नोज से या थ्रोट से, विच इज सेंट ऑफ टू लैब टू लुक फॉर साइंस ऑफ द वायरस, जेनेटिक मटेरियल को देखा जाता है डायरेक्ट। द अदर टाइप ऑफ टेस्ट द गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू यूज एंटीबॉडी टेस्ट, जब कोई भी वायरस डिजीज होती है तो बॉडी के अंदर इम्यूनिटी से एक एंटीबॉडी डेवलप होती है, एंड दीज आर डन टू सी इफ समवन हैज ऑलरेडी हैड द वायरस अर्लियर। तो ये टेस्ट तब पता लगते हैं जब एक्सपोजर हो चुका है किसी को, लेकिन इसे जरूरी नहीं है कि बहुत सीरियस हो जाएगा पेशेंट या नहीं होगा। दे वर्क बाय लुकिंग द साइंस ऑफ इम्यूनिटी, बॉडी की इम्यूनिटी को देखते हैं बाय यूजिंग ए ड्रॉप ऑफ ब्लड ऑन द डिवाइस, अ बिट लाइक प्रेगनेंसी टेस्ट। द गवर्नमेंट ब्रॉट 3.5 मिलियन एंटीबॉडी टेस्ट बट हैज येट नॉट फाउंड वन दैट इज रिलायबल इनफ टू यूज, रिलायबिलिटी थोड़ा सा पुअर है इसकी। डिफरेंस बिटवीन द टू टेस्ट, एक होता है स्वैब टेस्ट जो कि गले से या थ्रोट से निकाला जाता है, और दूसरा होता है ब्लड टेस्ट जो कि एंटीबॉडी टेस्ट है। दिस इज मोस्ट रिलायबल टेस्ट जो कि जेनेटिक मटेरियल टेस्ट करता है, इसमें आने में एक आध दिन लग जाते हैं, इसको सेकेंड से पता लग जाता है, फ्यू मिनट्स। इसमें स्वाब निकालते हैं, इसे ब्लड सैंपल निकालते हैं, लेबोरेटरी रन से पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसको पीसीआर टेस्ट कहते हैं, पीसीआर टेस्ट कहते हैं इसको, और इसको लेबोरेटरी में पता लगता है, जो कि किट आती है स्पेशली, और थोड़ा सा महंगा भी टेस्ट है इसकी किट। सॉल्यूशन एडेड टू द टेस्ट डिवाइस, ब्लड सैंपल निकलता है और टेस्ट करते हैं, ये कोरोना का जेनेटिक मटेरियल चेक करता है डायरेक्ट, कोरोना वायरस कोविड-19 का। ये एंटीबॉडी टेस्ट करता है, जैसे मैंने बताया। पॉजिटिव रिजल्ट का मतलब क्या, पेशेंट हैज अ वायरस डिजीज, ये कंफर्म हो जाता है। इसमें क्या है कि पेशेंट को एक्सपोजर हुआ है या पहले वायरस हो चुका है। दिस डज नॉट टेल ओवरऑल कि क्या भी पेशेंट कितना सीरियस होगा। हाउ एक्यूरेट आर द टेस्ट, द डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज द हॉस्पिटल्स आर वेरी रिलायबल, हाउएवर दैट डज नॉट मीन दैट दे विल पिक अप एवरी केस फॉर कोरोना वायरस, इसमें फॉल्स पॉजिटिविटी और फॉल्स नेगेटिव दोनों होते हैं। अ पेशेंट एट वेरी स्टार्ट ऑफ द इन्फेक्शन और रिलेटिवली लो लेवल्स ऑफ वायरस में शो अप एज ए नेगेटिव, शुरुआत में टेस्ट नेगेटिव हो सकते हैं, इसलिए 2 या 3 टेस्ट करने जरूरी होते हैं। एंड ए स्वाब दैट मे कम्स नेगेटिव इफ हैज नॉट पिक्ड अप इनफ ऑफ द वायरस फ्रॉम द थ्रोट, अगर किसी का स्वाब नेगेटिव आया है और टेस्ट फिर भी है तो रिपीट करना चाहिए, कई बार वायरस उसमें पकड़ में नहीं आता है। सो फार एंटीबॉडी टेस्ट हैज नॉट प्रूव टू बी एज रिलायबल, एंटीबॉडी टेस्ट जो ब्लड वाले टेस्ट होते हैं वो ज्यादा रिलायबल नहीं है। हेल्थ वाइज टेस्टिंग इंपॉर्टेंट, दैट टू मेन रीजन फॉर टेस्टिंग पीपल, टू डायग्नोज देम इंडिविजुअली एंड टू वर्क आउट हाउ द वायरस हैज स्प्रेड। कैन आई गेट टेस्टेड, टेस्टिंग इज नॉट येट अवेलेबल फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, जरूरत भी नहीं कराने की। एट द मोमेंट मोस्ट टेस्ट आर रिजर्व फॉर सीरियसली इल पेशेंट द हॉस्पिटल्स। यूके में 2,18,000 टेस्ट हो चुके हैं यूके में। अक्रॉस द वर्ल्ड अगर देखें तो टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 1,00,000 पीपल फ्रॉम द डे ऑफ फर्स्ट डेथ हो चुके हैं वर्ल्ड वाइड। जर्मनी हैज कैरीज आउट मोर देन 3 टाइम्स एज मेनी टेस्ट एज यूके, जर्मनी हैज डन मोर टेस्ट
By 27 March, it had tested 8,000 per 1,000 citizen. While as on 1st April, the UK tested 348% per 1,000 population. 1 lakh में 1,000 लोगों को टेस्ट किया है जर्मनी ने, जबकि यूके ने केवल 348 पर लाख लोगों का टेस्ट किया था 1 अप्रैल तक. That compares with 25 per lakh for Italy. इटली ने 1 लाख में 895 लोगों को टेस्ट किए. साउथ कोरिया ने 842 लोगों का टेस्ट किया, 348 पर लाख काफी कम है जो यूएसए ने टेस्ट किया. और जापान ने केवल 27 लोगों का टेस्ट किया, उनको लगा कि हमारे बीमारी नहीं आई है. दिस इज जनरल ओवरऑल टेस्टिंग. तो सबसे आज टेस्ट जो किए हैं वो किए हैं इटली ने, और यूके ने काफी कम किए हैं. तो ये टेस्टिंग ओवरऑल है, दैट डिपेंड्स अपॉन द नीड एंड ओवरऑल. इसके अलावा मैं इस टेस्ट के बारे में, ये पब्लिक को जानकारी है लेकिन इसे घबराने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब नहीं है. आपको टेस्ट तभी कराया जाएगा जब आपको बुखार आएगा. सबको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है. अगर केवल हैंड सैनिटाइजेशन, मास्क और साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग, घर से बाहर निकलना ही नहीं है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है. घर के अंदर रहिए, आराम से रहिए. एक छोटा सा वीडियो में दिखाना चाहता हूं जो कि यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी का वीडियो है, जो कि बता रहे हैं कि जो कोविड पेशेंट्स होते हैं उनमें एक्सरे और सीटी स्कैन की क्या जरूरत होती है. ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, बट दिस इज ओनली बेसिकली फॉर द हार्ट पेशेंट्स हु आर ऑलरेडी. आई एम स्टेफन राखेनबर्ग, यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी. इट इज मार्च 30, 2020 एंड आई एम हियर विद प्रोफेसर अंतोन खालिल from Paris, France. Thank you very much, Professor Khalil, for being available for this video recording. You're welcome. It's a pleasure for me. It's a pleasure for us. The European Society of Radiology has helped to establish the contact with the ESC, so we're very grateful. We are facing the COVID-19 pandemic, and we would like to address some important questions today regarding diagnostic imaging of COVID-19 pneumonia. European Society of Cardiology is a very important organization which keeps updating regarding the latest situations. इस वीडियो का मैं पूरा डिटेल नहीं बताऊंगा, लास्ट का मैसेज दे देता हूं. It is basically for doctors to understand and nurses to understand किन क्यों को एक्सरे और किसको सीटी स्कैन करना पड़ता है लंग्स का, क्योंकि एक खराब तरीके का निमोनिया हो जाता है COVID-19 पेशेंट्स में. We have heard that potentially CT is particularly useful in diagnosing this disease early and also about some pitfalls and differentials to consider. So let's get started right away with the very question, Antoine. What are the typical changes that one could expect in chest X-ray in COVID-19 pneumonia? Yes, the typical changes in chest X-ray depends on the onset of symptoms, because it's important to know that the patient can come to... Iske baad main last slide dikhaunga, just to not making it too boring. And the typical appearance is ground glass opacity or Main messages: no imaging if patient is not hospitalized or does not need oxygen. If CT is available, prefer CT over X-ray. The typical appearance is GGO or peripheral constellation on chest X-ray and CT. CT is more accurate, trust typical CT findings even if the PCR is negative. अगर PCR टेस्ट जो कि बताया स्वाब टेस्ट है, अगर वो नेगेटिव है लेकिन सीटी फाइंडिंग्स अगर आ रही हैं, तो आपको PCR को रिपीट करना चाहिए, यानी कि तो थ्रोट स्वाब वाला टेस्ट है. रिपीटिंग सीटी अराउंड डे 7 कुड प्रेडिक्ट द क्लिनिकल कोर्स इफ द प्रीवियस CT इज अवेलेबल. डू नॉट फॉरगेट दैट पेशेंट मे हैव अदर पैथोलॉजीज देन COVID-19. बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई इन्होंने, यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी, डॉक्टर एंटोन फ्रॉम पेरिस. ही इज टॉकिंग, ही सेज जो COVID-19 के पेशेंट्स हैं और अगर सीटी के अंदर चेस्ट का सीटी स्कैन किया उसमें टिपिकल फीचर्स आ रहे हैं, और अगर PCR टेस्ट जो कि थ्रोट स्वैब से किया जाता है वो नेगेटिव भी आ गया है, तो भी आप सीटी को डायग्नोसिस के चेक करते हुए टेस्ट रिपीट कराइए. चलिए जनरल बात बताते हुए, सबको ब्लड टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, सबको इम्यूनिटी टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है. अभी केवल प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. एक जनरल जानकारी दी थी कि दो तरह के टेस्ट अवेलेबल है, एक तो थ्रोट स्वैब वाला है जो जेनेटिक मटेरियल वाला टेस्ट है जो कि बॉडी के वायरस को टेस्ट डायरेक्ट करता है, PCR टेस्ट करता है, इसमें आने में टाइम लगता है, थोड़ा महंगा टेस्ट होता है, गवर्नमेंट ने फ्री कर रखा है. दूसरा इम्यूनिटी टेस्ट होता है जो ब्लड सैंपल से निकाला जाता है, जो इट इज लाइक ए प्रेगनेंसी टेस्ट, और जल्दी पता लग जाता है, उसमें एंटीबॉडीज पता लगती है.
एंटीबॉडीज किसी की पड़ सकती जिसको एक्सपोजर हुआ है, जिसको माइल्ड इन्फेक्शन हुआ है. इन दोनों सीरियसनेस पता नहीं लगती. सीरियसनेस पता लगती है एक्सरे से और सीटी स्कैन से. टेस्ट तभी कराया जाएगा जब डॉक्टरी सलाह होगी, या फीवर आएगा, या सूखी खांसी होगी, या ट्रेवल की हिस्ट्री होगी. सबको टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है. मस्ती में रहिए, टेंशन फ्री रहिए, घर के अंदर एंजॉय करिए, लॉकडाउन का एंजॉय करिए. एवरीथिंग शुड बी टेकन एज पॉजिटिव. मैं कार्रवाई कहता हूँ, आजकल अखबारों में कई चीजें आ रही है कि लॉकडाउन से परेशानियां हैं लोगों को. सही बात है, जो गरीब लोग हैं उनकी दहाड़ी चली गई है, जो रोज के मजदूर हैं, वर्कर्स हैं, लेकिन सरकार फ्री खाना दे रही है. कई ऐसे संस्थाएं हैं जो फ्री खाना दे रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग परेशान हैं. हर परेशानी को अगर हंसते हुए गुजार दें तो समय जल्दी निकल जाएगा. घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है. अभी तक भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू नहीं हुआ है, बड़ी राहत की बात है. हम लोग की इम्यूनिटी लेवल ज्यादा है, लेकिन जिनको इम्यूनिटी लेवल कम है उनको अपने एल्डर्स का ध्यान रखिए, खास करके जो उम्र में ज्यादा हैं, जो 70 साल के ऊपर हैं, हार्ट के पेशेंट्स हैं, जिनको डायबिटीज है, कंट्रोल करिए. उनके आसपास सब क्लीन रखिए, हाइजीन मेंटेन करिए, हैंड सैनिटाइज उनका भी करते रहिए, अपना भी करिए. जो काम कर रहे हैं आपके, उनको सबको हर समय मास्क पहनाइए. इवन एट द इनसाइड द हाउस, घर के अंदर जो बाहर के लोग आ रहे हैं उनको मास्क पहनाइए. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डॉक्टर विवेक गुप्ता आई वॉज टेलिंग अबाउट. Tomorrow I'll tell you something little more about role of WHO and also a role of China, whether we are being deceived or not. Thank you very much, Dr. Vivek Gupta from Delhi, on 12th of April.